Alright friends, now in this topic we will discuss a person who is providing the service, right? अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे थे? All the manufacturing activities. Now we will discuss a person who is providing the service, right? He is taking the decision. तो मैंने आपको the name of the chapter is 9 is a operating costing and solution में आप देखिए जरा पेज नंबर 9.1, okay? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग करके है एंड चैप्टर नंबर 9 है ये, पेज नंबर 9.1. ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, इट इज अ कॉस्ट विच इज डिसाइडेड बाय अ पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग द सर्विस. वो कौन डिसाइड करेगा? जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. इन दिस टॉपिक आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सर्विस. In this topic, our objective is not to find out what is the cost of service, but our objective is to find out what is the normal cost of service. Now, ये बहुत important है कि service cost, this is your service cost और normal service cost and normal service cost. सर्विस कॉस्ट और नॉर्मल सर्विस कॉस्ट, इसको समझना बहुत जरूरी है. इट इज ए कॉस्ट विच इज डिसाइडेड बाय अ पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग द सर्विस. इन दिस टॉपिक आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सर्विस, बट आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ सर्विस. ओके, कितने तरह के हम लोग डिस्कस करेंगे? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग भी बोलते हैं इसको, सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग भी बोलते हैं और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी बोलते हैं. एक ट्रांसपोर्टेशन अपन लेंगे, एक होटल अपन लेंगे और एक इसमें हॉस्पिटल अपन ले लेंगे, ठीक है. ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग में मेनली अपना ट्रांसपोर्टेशन है, होटल है, हॉस्पिटल है एंड अदर्स जो भी आपके रहेंगे. सही है सुनो फ्रेंड, सपोज अगर मैं आपसे बात करता हूं, दिस इज योर ट्रांसपोर्टेशन. अगर मैं आपसे बात करता हूं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग, सपोज आप एक कैब में बैठते, राइट? आप कैब वाला लाइक यू नो दैट यहां से आपका डिस्टेंस है सपोज से 20 किलोमीटर, ओके, एंड कैब वाला आपसे चार्ज करता है सपोज से ₹200. नाउ व्हाट इज योर कॉस्ट पर किलोमीटर? योर कॉस्ट पर किलोमीटर विल बी 10, बिकॉज 20 kilometers, total cost 200, your cost per kilometer is 10. But suppose there are 2 passengers. So what is the cost per passenger per kilometer? The cost per passenger per kilometer will be 5. Your cost per passenger per kilometer will be 5. So इसी को अपन क्या बोलेंगे कि first you find out the passenger kilometers. Passenger kilometers. It means 20 kilometers into 2 passenger equal to 40 passenger kilometer, and your total cost is 200 divided by 40 and this comes to ₹5 per passenger. तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव फंक्शन. एक अपन का क्या निकल के आएगा? एक हम का निकल के आएगा वी आर ट्रेवलिंग फॉर 20 किलोमीटर्स. एक अपन का निकल के आएगा वी आर ट्रेवलिंग फॉर पैसेंजर किलोमीटर्स. इट मीन्स 20 इंटू 2 पैसेंजर 40. What your total cost? 200 divided by 40 and this comes to 5. 200 divided by 40 and this comes to ₹5 per kilometer. Are you following or not, friends? बोलो दूसरा. अभी जैसे सपोज आप कार के अंदर बैठते, ओके, कार वाला बराबर से नहीं चला रहा है और वो सिग्नल तोड़ देता है. आप कार में बैठे हैं, आप टैक्सी में बैठे हैं एंड टैक्सी वाला बराबर से नहीं चलाता है, और वो सिग्नल तोड़ देता है. सिग्नल तोड़ने पे पुलिस वाले को वो पे करता है सपोज ₹100 पेनल्टी. कैन ही रिकवर दैट ₹100 फ्रॉम यू? आंसर इज नो, बिकॉज दिस इज ए कंट्रोलेबल लॉस. मैंने कितनी बार आपको बताया कॉस्टिंग में कि whenever there is a loss because of your own mistake, that loss you can't recover from the customer. Or if you are going to recover, you cannot survive because your cost of production will increase. कस्टमर बोलेगा भाई आप बराबर से देख के चलाते. अगर आप बराबर से देख के चलाते आपकी मिस्टेक नहीं होती. तो आपको पे नहीं करना पड़ता. कस्टमर आपको क्या देगा? ओनली नॉर्मल कॉस्ट, नॉट द सर्विस कॉस्ट. आप बोलोगे इसने किसको पे किया? इसने पुलिस वाले को पे किया, कितना पे किया, 100 पे किया, कब पे किया, व्हेन ही वाज प्रोवाइडिंग द सर्विस स्टिल। ये क्यों पैसेंजर से नहीं ले सकता? बिकॉज दिस लॉस इज ए कंट्रोलेबल लॉस, बिकॉज दिस लॉस इज ए कंट्रोलेबल लॉस। Whenever there is a loss because of your own mistake, whenever there is a loss because of your own mistake, that loss you can't recover from the customer. That loss you can't recover from the customer. Or if you are going to recover, you cannot survive because your cost of service will increase. आपको मैंने ऑडिटर अपॉइंट किया, मैं आपको बोलता हूँ भाई आपका जो भी प्रोफेशनल फीस है वो लेना प्लस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस है। अब आप ऑडिट करने आते हैं, अपनी बीवी के लिए कुछ परचेज करते हैं, आप बोलेंगे नहीं आप इसका बिल दो, ये तो मेरी आउट ऑफ पॉकेट नहीं, नॉर्मल एक्सपेंसेस में आपको पे करूंगा करके। Are you following or not, friends? Okay, so our objective is not to find out what is the cost of service. Our objective is to find out what is the normal cost of service. Normal means जो भी कंट्रोलेबल लॉस है वो आप नहीं ले सकते। अब सपोज यू टेक द एग्जाम्पल, अगर अपन सेम एग्जाम्पल में कंटिन्यू करते, इन अवर मुंबई देयर इज ए शेयर टैक्सी। सो शेयर टैक्सी में क्या करते हैं वो लोग, चार की जगह छह को बिठा देते, आड़ा टेढ़ा चलाते, बराबर। उसके लिए दे आर पेइंग एवरी मंथ टू पुलिस वाला, उसके लिए वो लोग क्या करते हैं एवरी मंथ पुलिस वाले को पेमेंट करते हैं, बराबर। अब मतलब किसको पे किया, पुलिस वाले को पे किया, कब पे किया, व्हेन दे वर प्रोवाइडिंग द सर्विस। इसका मतलब ये अनकंट्रोलेबल लॉस है, अगर वो पुलिस वाले को नहीं देंगे, पुलिस वाला नहीं चलाने देगा, नहीं चलाने देगा तो काम कैसे होगा। इसका मतलब अनकंट्रोलेबल लॉस है तो कस्टमर से रिकवर करना पड़ेगा। बट अगर आपके कंट्रोल में कोई लॉस है और वो आपने इनकर किया तो दैट लॉस यू कांट रिकवर फ्रॉम द कस्टमर। और दूसरा है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द सम, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द सम में आप लिख लीजिए फर्स्ट, फ्रेंड्स आगे आप लिखिए स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द सम, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द सम, आगे आप लिख लीजिए स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द सम, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द सम, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द सम। Step number 1, statement showing, Step number 1, statement showing normal operating cost, Step number 1, statement showing normal operating cost। या फिर अपन Step number 1 बना सकते हैं objective function and Step number 2 normal operating cost and then you find out the total। अब मैं आपको कराऊंगा तो थोड़ा और आपको क्लियर हो जाएगा। Just you refer योर क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 54। आप जरा क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए एंड पेज नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 1 एंड पेज नंबर 9.1। दिस इज सॉल्यूशन बुक and this is your question book। ये आपका question book और ये आपका solution book है। क्वेश्चन नंबर 1 सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 पहले आप जरा क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, मैंने आपको क्या बताया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, पहले अपन कैसे बनाएंगे। A transport service company is running 5 buses between 2 towns which are 50 kilometers apart. Seating capacity for each bus is 50 passengers. The following particulars were obtained from their books for April 2016. आपको कॉस्ट दे रखा है, वेजेस, सैलरीज, डीजल, रिपेयर, टैक्सेशन, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट। एक्चुअली पैसेंजर कैरिड 75% ऑफ द सीटिंग कैपेसिटी। ऑल buses ran all the days of the month. Each bus made 1 round trip per day. Find out the cost per passenger per kilometer. Okay, find out the cost per passenger per kilometer। Step number 1 देखिए फ्रेंड्स कैसे करेंगे। Step number 1 statement showing total kilometers, total passenger kilometers. Statement showing total kilometers and total passenger kilometers. Okay, पहला kilometers friends, पहला kilometers क्या बोल रहा है फ्रेंड्स. इस ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी इज रनिंग 5 buses बिटवीन 2 towns विच आर 50 kilometers अपार्ट. इट मीन्स 50 kilometers जाएगी एंड 50 kilometers आएगी, तब जाके क्या होगा 1 round trip. 50 kilometers जाएगी 50 kilometers आएगी, तब जाके 1 round trip आपका कंप्लीट होगा. क्योंकि उन्होंने बोला है एक्चुअली पैसेंजर कैरिड आउट 75% ऑफ द सीटिंग कैपेसिटी. All buses ran all the days of the month. Each bus made 1 round trip per day. इसका मतलब ये आपका 1 round trip हो गया. Means 50 kilometers, ये इसको बोलते हैं round trip. इतना 50 kilometers जाएगी और 50 kilometers आएगी, तब जाके आपका क्या होगा round trip. ऐसा 30 days करेगी. और हमारे पास कितनी buses हैं? 5 buses. तो हमारा टोटल किलोमीटर्स हो जाएगा 50 into 2 into 30 into 5 is 15,000 kilometers. Okay, then passenger kilometers 15,000. What are the number of passenger? 50, but subject to only 75. It means 15,000 × 50 × 75% is 562,500. 562,500. So yes, kilometers 52. 5 buses, 562. Okay, then step number 2, statement showing normal operating cost. Step number 2, statement showing normal operating cost, which is given 1,39,000. सही है. चलो क्या बोल रहा है, पहले हम लोगों ने क्या निकाला फ्रेंड्स? स्टेटमेंट शोइंग टोटल किलोमीटर्स, टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स. टोटल किलोमीटर्स कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? 50 किलोमीटर्स एक बस चलेगी और 50 जाएगी एंड 50 आएगी, तब जाके 1 round trip लगेगा. ऐसा 30 days इंटू 5 buses 15,000 पैसेंजर. 15,000 50 पैसेंजर है लेकिन 75% पैसेंजर मिलेंगे, 562,500. स्टेप नंबर 2, स्टेटमेंट शोइंग नॉर्मल ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन. व्हाट इज द नॉर्मल ऑपरेटिंग कॉस्ट? 1,39,000. ओके, अब आप आ जाइए कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर. इट मीन्स 139 डिवाइडेड बाय 562,500. 139 डिवाइडेड बाय 562,500 इज 0.24. आपका क्या हो जाएगा? पॉइंट बोलो, पॉइंट 0.24. और यू कैन से बिकॉज राउंड ऑफ करेंगे तो 0.25. आप बताइए फ्रेंड्स, सोल्यूशन बुक में आपको दे ही रखा है 0.25 एक पैसेंजर से पर किलोमीटर. हमारा क्या पूछा? फाइंड आउट द कॉस्ट पर पैसेंजर. एक पैसेंजर अगर 1 किलोमीटर जाएगा तो उसको क्या पे करना पड़ेगा? कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर, टोटल कॉस्ट, टोटल पैसेंजर किलोमीटर 0.25. Say yes or no. Perfectly clear हो गया. Are you following friends? बोलो. Alright. अब आप आ जाइए friends. This is your question number 2, page number 54 from question book. Question number 2, page number 9.1 from solution. Question number 2, page number 54 from question book. क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 9.1 सॉल्यूशन. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है सिमिलर टाइप. आप जरा ध्यान से देखिएगा. क्या करेंगे, मिस्टर एक्स ओन से बस विच रन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग शेड्यूल. मिस्टर एक्स ओन्स ए बस विच रन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग शेड्यूल. दिल्ली टू चंडीगढ़ एंड बैक सेम डे. दिल्ली टू चंडीगढ़ जाएगी और चंडीगढ़ टू दिल्ली आएगी एंड बैक सेम डे. डिस्टेंस कवर्ड 150 वन वे. नंबर ऑफ डेज रन्स 8. सीटिंग कैपेसिटी 90%. दिल्ली टू आगरा एंड बैक द सेम डे. डिस्टेंस कवर्ड 120 वन वे. नंबर ऑफ डेज रन्स ईच मंथ 10. सीटिंग कैपेसिटी 85%. डिस्टेंस कवर्ड 270 वन वे. दिल्ली टू आगरा एंड now Delhi to Jaipur. Distance covered 270 kilometers. Distance covered 270 kilometers one way. Number of days runs each month is 6. Sitting capacity is 100%. Sitting capacity आपका क्या है, is a 100%. Now following are the other details. Cost of the bus 6 lakhs. Salary of driver 2,800. Salary of conductor 2,200. Salary of part-time accountant 200. Insurance of the bus 4800. Diesel consumption per liter is 6. Road tax 1,500. Lubricant oil 10,400. Permit fee 315. Repair and maintenance 1,000. Depreciation of the bus 20% per annum. Sitting capacity 50%. Passenger tax 20% of the total takings. Calculate the bus fare to be charged from each passenger to earn a profit of 30% on total taking. The fares are to be indicated per passenger for the journey. Journey means Delhi to Chandigarh जाने का. Okay. Delhi to Agra और Delhi to Jaipur. Okay. अब देखो. What do you mean by takings? It means this is your suppose note number 1. टेकिंग मीन्स जो हम लोग उससे चार्ज करेंगे, पैसेंजर जो हमको देगा उसको बोलते हैं टेकिंग मीन्स सेलिंग प्राइस. इट मीन्स टेकिंग पर पैसेंजर. टेकिंग पर पैसेंजर इक्वल टू 100. ओके, अब उसके अंदर आपको बोल रहा है कि पैसेंजर टैक्स आपका लगेगा 20% of 100 is 20. 20% of 100 is 20 and आपको प्रॉफिट आपको लगेगा 30% of 100 is 30. टोटल आपका 50. कॉस्ट के लिए आपको क्या बचेगा, इज ए 50. अगर आपको एक पैसेंजर 100 रुपीज देता है तो उसमें से 20 तो आपका क्या निकल जाएगा, पैसेंजर टैक्स. 30 आप बोल रहे हो मुझे प्रॉफिट चाहिए ऑन सेलिंग प्राइस. दिस इज टेकिंग मीन्स दिस इज योर सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस अगर आप चार्ज करते हो, सही या सुनो फिर ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए. 20 आपका ये निकल जाएगा, 30 50 एंड कॉस्ट के लिए क्या बचेगा आपके पास, कॉस्ट के लिए आपके पास बचेगा 50. तो अगर आपका कॉस्ट 50 है तो आपको सेलिंग प्राइस रखना पड़ेगा 100. अगर आपका कॉस्ट 50 है तो आपको सेलिंग प्राइस क्या रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, आपको सेलिंग प्राइस रखना पड़ेगा 100. अगर आपका कॉस्ट 50 है तो आपको सेलिंग प्राइस क्या रखना पड़ेगा, 100. आपको सेलिंग प्राइस क्या रखना पड़ेगा, बोलो 100. सही आंसर. नाउ सम ऑफ द एक्सपेंसेस आर पेएबल ऑन द बेसिस ऑफ किलोमीटर्स. सम ऑफ द एक्सपेंसेस आर पेबल ऑन द बेसिस ऑफ किलोमीटर्स। तो पहले आप किलोमीटर्स निकाल लीजिए एंड सेकेंड यू फाइंड आउट द पैसेंजर किलोमीटर्स। ओके, टोटल टेकिंग को पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड कर देंगे, अपने को आ जाएगा टेकिंग पर पैसेंजर पर किलोमीटर एंड दैट यू मल्टीप्लाई, यू विल गेट द फाइनल आंसर। उससे यू विल गेट द मार्क्स, मार्क्स से यू पास, पास से जॉब, जॉब से अच्छे फ्रेंड्स। इसके लिए स्टेटमेंट सोए सही आसान। पहला गो आराम से वन बाई वन। दिस इज योर स्टेप नंबर वन, दिस इज योर step number 1, statement showing total kilometers, total passenger kilometers पर मंथ। ओके, आप क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, वन बाई वन आप ले लीजिए। मिस्टर एक्स ओन्स ए बस विच रन्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग शेड्यूल। एक बस है उसके पास, मिस्टर एक्स ओन्स ए बस, पर मंथ पर बस। क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, देखो दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग टोटल किलोमीटर्स, टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स, पर मंथ पर बस। स्टेटमेंट शोइंग टोटल किलोमीटर्स, टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स पर मंथ एंड पर बस। सही आंसर फ्रेंड्स। अब पहला रूट आपका क्या है, आपका पहला रूट है दिल्ली टू चंडीगढ़। इट मीन्स पहला है आपका दिल्ली टू चंडीगढ़। इट मीन्स किलोमीटर्स एंड पैसेंजर किलोमीटर्स। अब डिस्टेंस क्या है आपका फ्रेंड्स, वो दिल्ली टू चंडीगढ़ एंड बैक सेम डे। Distance covered 150 kilometers one way. It means 150 kilometers जाएगी and 150 kilometers आएगी। आएगी तो आएगी कौन, बस। Into 2 into what are the number of days, 8 days। It means 150 into 2 into 8 is 2,400 kilometers, then 2,400 kilometers। अब कितने पैसेंजर हैं अपने पास, बोलो नंबर ऑफ पैसेंजर्स, 50 persons, राइट, इनटू व्हाट इज द कैपेसिटी इज 90%। तो दिस विल बी 2400 इनटू 50 into 90% is 1,08,000। ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स। ये आपका पहला रूट हो गया दिल्ली टू चंडीगढ़। सेकेंड रूट आपको क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, दिल्ली टू आगरा। किलोमीटर्स पैसेंजर किलोमीटर। दिल्ली टू आगरा 120 किलोमीटर्स, 120 किलोमीटर जाएगी, 120 किलोमीटर आएगी इनटू 10 डेज। इट मींस 2400 किलोमीटर्स, 2400 किलोमीटर्स इनटू 50% इनटू 85%। It means 2400 into 50 into 85% is 1,02,000। ओके, ये आपका हो गया दिल्ली टू आगरा. देन थर्ड इज योर बताइए फ्रेंड्स व्हाट इज द थर्ड. थर्ड इज दिल्ली टू जयपुर. इट मीन्स दिस इज योर दिल्ली टू जयपुर. दिल्ली टू जयपुर kilometers and passenger kilometers. Delhi to Jaipur distance is 270 kilometers जाएगी into 270 kilometers आएगी into 6 days. That means 270 into 2 into 6 is 3240. 3240 into 50% into 100% capacity into 50 will be 3240 into 50 will be 1,62,000. Say yes or no? Perfectly clear. Okay, 2400. 2400. 1,08,000. 2400. 1,02,000. 243240 and 162. It means this is your एक समरी अपन बना लेते हैं. It means total kilometers, total passenger kilometers. 2400 3240 400 2400 and 3240 2400 3240 will be 8040. ठीक है. Then 108 102 162. 108 102 and 162. 108 102 162 is 370,000. Yes, total kilometers 2400 2400 3240 हम लोगों ने कैलकुलेट किया फ्रेंड्स. 2400 2400 3240. देन पैसेंजर 108 102 162. 108 102 162 एंड 370. ये आपका क्या हो जाएगा जैसे जो समझे ये आपका क्या हो जाएगा टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स टोटल. ये अब आप आ जाइए फ्रेंड्स टेकिंग्स के ऊपर ना हमारा क्या टेकिंग्स आ रहा है उसको लेके फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे. सही है सर. ओके. It means a statement showing total takings per month per bus. It means your step number 2 statement showing total takings per month and per bus. Statement showing total takings per month per bus. Okay. सबसे पहले कॉस्ट ऑफ द बस, इट मीन्स फ्रेंड्स क्या आ जाएगा आपका डेप्रीशिएशन. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द बस इज 6 lakhs. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द बस 6 lakhs into what is the rate of depreciation? Depreciation of the bus 20% per annum, and we are doing only for 1 month. Okay, it means 6 lakhs into 20% divided by 12, and this comes to 10,000. क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स हम लोग? स्टेटमेंट शोइंग टोटल टेकिंग्स पर बस एंड पर मंथ. पर बस पर मंथ पहला अपना आ जाएगा डेप्रिसिएशन 10,000. दूसरा आ रहा है आपका सैलरी ऑफ ड्राइवर. इट मीन्स नंबर 2 ड्राइवर सैलरी. व्हाट इज द ड्राइवर सैलरी इज 2,800. देन 3 आपका आ रहा है कंडक्टर सैलरी. आपका कंडक्टर सैलरी आ रहा है 2,200. ओके, कंडक्टर सैलरी 2,200. सैलरी ऑफ पार्ट टाइम अकाउंटेंट. देखो ये अकाउंटेंट है कि भिखारी है ना. इट मीन्स दिस इज योर अकाउंटेंट सैलरी. व्हाट इज द अकाउंटेंट सैलरी इज 200. Insurance of the bus. Insurance of the bus is 4800. 4800. This is per annum. So divided by 12. 4800 divided by 12 will be 400. Insurance. Then 6. Your diesel consumption. डीजल कंजम्पशन 6 रुपीज पर लीटर. 6 रुपीज में किधर आएगा? इसका मतलब चोरी से होगा. 6 रुपीज पर किलोमीटर, 6 रुपीज पर लीटर है ना. और 1 लीटर में हम लोग चल सकते हैं 4 किलोमीटर. 1 लीटर में चल सकते हैं 4 किलोमीटर. और हमको कितना किलोमीटर चलना है? 8040. सही है सुनो फ्रेंड्स. इसके लिए ये मैंने ना अलग अलग इंस्टीट्यूट क्या करता है, पहले कंबाइन कर देता है, फिर डिवाइड करता है, फिर मल्टीप्लाई करता है, तो पूरा घोच पोच हो जाता है. इसके लिए मैं स्टार्टिंग से अलग लेके चल रहा हूँ आपको. इसके लिए मैं स्टार्टिंग से ही अलग लेके चल रहा हूँ आपको करके ना. आ जाइए, क्या बोल रहे हैं? इट मीन्स 8040 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4 किलोमीटर इज 12,060. सही है सुनो फ्रेंड. देन आप आ जाइए, डीजल कंजम्पशन हो गया. रोड टैक्स आ जाइए फ्रेंड्स. दिस इज योर road tax is 1500 divided by 12 months is 1500 divided by 12 is 125. Lubricant oil, it means lubricant oil is 10 rupees per 100, it means 8040 into 10 by 100. It means 8040 into 10 by 100 is 804. 804. Permit fee. 9th is your permit fees. What is the permit fees? 315 per month. What is the permit fees? 315 per month. Say yes or no. What is your permit fees? 315 per month. Say yes or no. Okay. And then last आपका है इजे रिपेयर एंड मेंटेनेंस. 10th रिपेयर एंड मेंटेनेंस. व्हाट इज द रिपेयर एंड मेंटेनेंस? 1,000 रुपीज पर मंथ. ये आपका हो जाएगा टोटल कॉस्ट. इट मीन्स 10,000 प्लस 2800 प्लस 2200 प्लस 200 प्लस 400 प्लस 12,060 प्लस 125 प्लस 804 प्लस 315 प्लस 1000 29,904 ये आपका आ जाएगा 29,904 29,904 ये आपका हो जाएगा टोटल कॉस्ट। सही है सुना फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर होना। आपको डेप्रिसिएशन दे रखा है, ड्राइवर सैलरी डायरेक्टली है, कंडक्टर सैलरी डायरेक्टली दे रखा है, अकाउंटेंट मैंने आपको भिखारी बताया, फिर सीपीटी करके छोड़ दिया होगा करके ना। देन इंश्योरेंस 4,800 पूरे साल का है डिवाइड बाई 12, डीजल कॉस्ट 64 किलोमीटर 8040, रोड टैक्स 1500 12 125 लुब्रिकेंट 8040 804, परमिट फी 315 एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1000। इट मीन्स टोटल विल बी 10,000 2800 2200 200 400 12,060 125 804 315 एंड 1000 29,904 ये आपका हो गया कॉस्ट 29,904। कंटिन्यू 29,904 then you charge, this is your total cost, okay, then आपका आ जाएगा your passenger tax and then प्रॉफिट, ये आपका आ जाएगा टोटल टेकिंग्स। मैंने आपको बताया ना टोटल टेकिंग इज 29,904 इंटू 100, तो कॉस्ट हमारा क्या है 50, कॉस्ट 50 ये, ओके, सो This will be your 29,904 into 100 divided by 50 will be 59 right friends? So 29,904 into 100 by this, so this comes to your 29,904. All right friends, so now this is your total will be your 29,904 into 100 divided by 50 will be 59,808, 59,808, and what you are taking is 20% of 59,808 and this is 30% of 59,808 का 20% 11,962 into 30 by 20 is 17,942, okay, then taking per passenger per kilometer will be 59,808, 59,808 divided by 3,72,000, 59,808 divided by 3,72,000 is 0.16. So 0.16. Final answer will be your Delhi to Chandigarh, Delhi to Agra, and Delhi to Jaipur kilometers. 150, 120, 270, and 2.16, 0.16, and 0.16, and this will be your bus fare. 150 into 0.16 is 24. 120 into 160 is 19.2, 270 into 0.16 is 43.2. Say yes or no. Okay. Your total cost 29,904. मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, ये मैंने सॉल्यूशन में भी दिया है. If your cost is 50, then your selling price is 100, your taking is 100, so your cost is 50, your cost this is 50, so your selling price will be this is 100. 100 ka 20%, this is 20, 100 ka 30%, this is 30, like this. That way you make the equation, this is 50, 20, 30 and total आपका ये. लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको मैंने बताया. देन आपका आ जाएगा 59,808 divided by 372 is 0.16. Delhi to Chandigarh, Delhi to Agra, Delhi to Jaipur. 150, 120, 270, 0.16, 0.16. Bus fare is like this. Say yes or no. परफेक्टली आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए. Is this clear or not friends? ये अपना चल रहा है ओनली ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट अपना चल रहा है पर किलोमीटर वाला, राइट? ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट अपना चल रहा है. से यस और नो फ्रेंड्स. क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? नाउ यू रिफर नेक्स्ट सम इज योर क्वेश्चन नंबर 3 एंड Question number 3, page number 55. This is from question book. Question number 3, page number 9.3 is from solution book. Question book, solution book. So yes or no? Question book and solution book. Okay, अब देखिए. जनता ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज बीन गिवन ए रूट ऑफ 20 किलोमीटर्स. ओके, जनता ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज बीन गिवन ए रूट ऑफ 20 किलोमीटर्स लॉन्ग फॉर रनिंग बसेस. द कंपनी हैज फ्लीट ऑफ 10 बसेस. कंपनी के पास कितने हैं? 10 बसेस हैं. ओके, 10 बसेस. दिस इज गिवन 10 बसेस each costing 50,000 and having a life of 5 years without any scrap value. इसका मतलब आपका depreciation क्या आ जाएगा? 50,000 divided by 5 आपका per annum depreciation आ जाएगा रुपीज 10,000. From the following estimated expenditure and their details, calculate the bus fare to be charged from each passenger. Insurance charges 3% वो बस की cost पे आ जाएगा. एनुअल टैक्स 1000 पर बस है तो वो ले लेंगे अपन. गैराज चार्जेस, अब देखो जरा, या तो आप ऐसा कर सकते हो कि वन बस के लिए आप कैलकुलेट करो तो जो भी कॉमन एक्सपेंडिचर है उसको डिवाइडेड बाय 10 करना पड़ेगा। जो 10 बसेस के लिए कॉमन एक्सपेंडिचर है उनको 10 से डिवाइड करिए, या फिर जो अगर आप 10 बसेस का करते हो तो जो इंडिविजुअल एक्सपेंसेस हैं उसको यू मल्टीप्लाई बाय 10 कर लीजिए। तो बेटर हमेशा यही रहेगा कि यू गो फॉर सिंगल बस। इंश्योरेंस चार्जेस 3%, एनुअल टैक्स 1000, टोटल गैराज चार्जेस 1000, एनुअल रिपेयर, ड्राइवर salary, then conductor salary commission to be shared equally 10% of the total take, cost of stationery, manager salary, accountant salary, petrol and oil. Each bus will make 3 round trips carrying on an average 40 passenger on each trip. The bus will run on an average 25 days in a month. Assuming 15% profit on taking, calculate the bus fare to be charged from each passenger. Bus fare to be charged from each passenger. वापस से वही, अगर आपका this is your bus fare और इसको ही हम बोल सकते हैं selling price और इसको ही हम बोल सकते हैं टोटल टेकिंग्स में क्या करेंगे फ्रेंड्स, आपका कमीशन है 10, आपका प्रॉफिट आपको चाहिए, योर प्रॉफिट इज 15, टोटल इज 25, सो कॉस्ट के लिए आपका क्या बचेगा 75, सो इफ योर कॉस्ट इज 75, योर प्रॉफिट इज 25, your bus fare has to be 100. ये आपका 100 हो जाएगा। सही है सोना पर्सन। We are assuming if the total taking is 100, commission is 10, profit is 15, total is 25, cost is 75. तो bus fare आपका, अगर आप पैसेंजर से 100 रुपए लेते हो तो 25 तो आपका निकल जाएगा, तो कॉस्ट के लिए क्या बचेगा, तो इफ योर कॉस्ट इज 75 तो आपका टेकिंग क्या होगा 100। सही है सोनो फ्रेंड। अब पहले 1/1 अपन कर लेते हैं। फर्स्ट वही ऑब्जेक्टिव फंक्शन अपना, ओके। सही है सोनो फ्रेंड्स। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इट मींस दिस इज योर स्टेप नंबर 1। एंड सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आपको सब कुछ तो दे रखा है राइट, प्रिंटेड फॉर्म में दे रखा है, आपको सिर्फ ध्यान देना है राइट मैं क्या लिख रहा हूँ करके ना। स्टेटमेंट शोइंग टोटल किलोमीटर, टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स पर मंथ पर बस, इट मींस स्टेटमेंट शोइंग टोटल किलोमीटर्स, टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स पर मंथ एंड पर बस। स्टेटमेंट शोइंग टोटल किलोमीटर्स, टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स पर बस एंड पर मंथ पर बस। क्या लिखा है फ्रेंड्स अपन ने, स्टेटमेंट शोइंग टोटल किलोमीटर्स, टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स पर मंथ एंड पर बस, पर मंथ एंड पर बस, ओके। सबसे पहले आप आ जाइए फ्रेंड्स किलोमीटर्स के लिए क्या बोला, जनता ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज बीन गिवन ए रूट ऑफ 20 किलोमीटर्स जाएगी एंड 20 किलोमीटर्स आएगी। अगर ऐसा करेंगे तो अपना एक राउंड ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा, ओके। अब आपको देखना है कि आपको कितने, ईच बस विल मेक 3 राउंड ट्रिप, इट मीन्स 20 किलोमीटर जाएगी इक्वल टू 1 into 3 into 25 days, ओके। सो दिस वी आर डूइंग ओनली फॉर वन बस राइट, इट मीन्स आपका टोटल हो जाएगा 20 into 2 into 3 into 25 इज 3,000. Okay, and then passenger kilometers 3,000 into 40 into 40 is 1,20,000 kilometers. सही है सुनो पहला is your statement showing kilometers 20 kilometers into 20 किलोमीटर जाएगा 20 किलोमीटर into 3 round trip 25 days 3,000 passenger kilometers 3,000 into 40 is 1,20,000. यहाँ तक क्लियर हुआ कि दिस इज योर स्टेप नंबर 1. इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन और मैं हमेशा आप देखिए मैं अलग ही लेता हूँ किलोमीटर को अलग ले रहा हूँ ताकि मुझे आपको कंफ्यूजन नहीं चाहिए. मेन इसमें क्या रहता है कि अपने को कंफ्यूजन नहीं चाहिए करके इसके लिए मैं अलग से ही ले रहा हूँ पहले से स्टार्टिंग से ही मैं अलग ले रहा हूँ. ठीक है अब आप आ जाइए दिस इज योर स्टेप नंबर 2. Step number 2 statement showing statement showing total takings per month and per bus. Statement showing total takings per month per bus. Statement showing total takings per month per bus. Okay. सबसे पहले आप आ जाइए फ्रेंड्स दिस इज योर डेप्रिसिएशन. व्हाट इज द डेप्रिसिएशन फ्रेंड्स. कॉस्ट ऑफ द बस इज 50,000. कॉस्ट ऑफ ईच बस दे रखा ना ईच कॉस्टिंग. जनता ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज बीन गिवन ए रूट ऑफ 20 किलोमीटर्स लॉन्ग फॉर रनिंग द बसेज. The company has a fleet of 10 buses, each costing 50,000 and having a life of 5 years. This is 5 years. Okay. So 1 year ka depreciation aega divided by 12. It means 50,000. 5 divided by 12 is 833.33. 833.33. ओके नंबर 2 आपका आ जाएगा फ्रेंड्स. से यस और नो फ्रेंड्स. ऑलराइट डेप्रिसिएशन इज 833. नाउ इंश्योरेंस चार्जेस दिस इज इंश्योरेंस चार्जेस. व्हाट आर द इंश्योरेंस चार्जेस इज 3% पर annum. It means 50,000 into 3/12 into 1/12. 50,000 into 3%. This is 3%. 3%. 50,000 into 3% divided by 12 is 125. Annual tax. Okay, that's it. Then you take insurance charges, then you take annual tax. Your annual tax, what is the annual tax is 1,000 rupees per bus. Annual tax, it means 1,000. तो मंथली क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 12. इट मीन्स 1,000 डिवाइडेड बाई 12 इज 83.33. देन 4 इज ए गैराज चार्जेस. अब देखो गैराज इज ए वी आर डूइंग फॉर वन बस और गैराज जो रहेगा वहां पे तो ऑल बसेज रहेंगी ना तो 10 बस के लिए एक गैराज रहेगा, राइट। तो इसके लिए कॉमन एक्सपेंडिचर को हम किससे डिवाइड करेंगे, 10 से। अगर हम लोग 10 बसेस का कर रहे होते तो जो इंडिविजुअल एक्सपेंसेस है उसको मल्टीप्लाई करते थे 10 से। वो आगे करके मैं आपको कराता हूँ, आगे के क्वेश्चंस में मैं आपको कराऊंगा। लेकिन इट इज बेटर ऑलवेज टू टेक द इंडिविजुअल बस, वन बस। ओके, तो वन बस में क्या करना पड़ेगा कि जो आपका कॉमन एक्सपेंडिचर है डिवाइडेड बाई 10 करना पड़ेगा, ठीक है। गैराज चार्जेस, दिस इज योर गैराज चार्जेस इज 1000 divided by 10 is 100 garage charges, right? Then annual repair, it means repair. What is the annual repair? 1000 per bus, 1000 per bus है। ये तो डायरेक्टली आपको 1000 रुपीज क्या दे रखा है, ये पर बस 1000 रुपीज एनुअल रिपेयर है ना, एनुअल है तो डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर टेकिंग मंथली ना। तो 1000 डिवाइडेड बाय 12, 1000 डिवाइडेड बाय 12 इज 83.33। और यू कैन टेक, बिकॉज 2 टाइम्स ले लिया तो यू कैन टेक नाउ दिस 83.34। ये क्लियर हुआ गया। पहला अपन ने क्या किया, फर्स्ट हम लोगों ने डेप्रिसिएशन ले लिया 50,000 है, 5 ईयर्स का लाइफ है तो 1 ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा 1/12, ये आपका आ गया। देन इंश्योरेंस 50,000, उसका 3% 1/12 ये आ गया आपका। एनुअल टैक्सेस 1000 डिवाइडेड बाई 12 ये आ गया आपका। गैराज चार्जेस 1000 डिवाइडेड बाई 10 आपका गया। रिपेयर 1000 डिवाइडेड बाई 12 आपका ये आ गया। सही है सर, यहां तक हम लोगों का क्लियर हो गया एनुअल रिपेयर। देन यू गो टू ड्राइवर सैलरी, ओके, कंटिन्यू हियर इज ए ड्राइवर सैलरी। व्हाट इज द ड्राइवर सैलरी इज 150 रुपीज per month. What is the driver salary is 150 per month. All right, driver salary is 150 rupees per month. Then you go for, this is your conductor salary. What is the conductor salary is 100 rupees per month. 100 rupees per month. Commission to be shared equally बिटवीन ड्राइवर एंड कंडक्टर, उसको बाद में हम लोग ले लेंगे, ठीक है। देन यू टेक कमीशन टू बी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी, देखो कॉमन एक्सपेंडिचर, कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी, दिस इज ए कॉमन एक्सपेंडिचर, राइट, ऑल बसेस के लिए रहेगा। तो 500 डिवाइडेड बाई 10 इज 50 रुपीज, 500 डिवाइडेड बाई 10 50। मैनेजर सैलरी, what is the manager salary is 2000. Common manager for 10 buses is 200. Say yes or no, friend. Accountant, common accountant salary is 1500, and that divided by 10 is 150. Then petrol cost, what is your petrol cost is 25 rupees per 100 kilometer, and we are running is 3000 kilometers, 3000 kilometers. It means 3000 into 25 by 100 is 750. Petrol and oil, this is, that's it, and this will be your total cost. Okay, आ जाइए आप, total cost, it means 833.33 प्लस 125 प्लस 83.33 प्लस 183.34 प्लस 150 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 200 प्लस 150 प्लस 750 2625 2625 then there is a commission and then there is a profit and this will be your total takings 2625 into 100 by 75 फर्स्ट नोट में मैंने आपको दिखाया 100 by 75 अगर कॉस्ट 75 है तो टेकिंग आपका क्या रहेगा 100 बोलो कॉस्ट आपका 100 इट मीन्स 2625 इंटू 100 बाई 75 इज 3500 दिस 3500 दिस 3500 इंटू ये 10% ये 15% 3500 into 10% 350 is 525. It means 2625 plus 350 plus 525. 3500. Say yes or no? बोलो perfectly clear or not? आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड्स बोलो ये आपका आ गया टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट इज 75 सो व्हाट इज 100 ये आपका निकाल लिया 3500 का 10% ये 15% सही आंसर होगा ऑलराइट आगे आप चलिए आपसे क्या पूछा जा रहा है ओके टेकिंग पर पैसेंजर पर किलोमीटर इट मींस टोटल इज 3500 ना okay it means your takings per passenger per kilometer it means total takings divided by total passenger kilometers total takings is 3500 total kilometers is 1,20,000 it means 3500 divided by 1,20,000 is 0.029 final answer will be kilometers into takings 0.029 kilometers is 20 and this comes to 0.58 per passenger say also taking per passenger is this will be your fare बस फेयर आपका कितना रहेगा फ्रेंड्स 58 पैसे मीन्स किलोमीटर्स मल्टीप्लाई बाई टेकिंग्स 20 किलोमीटर्स ये 58 पैसे आपका बस का क्या लगेगा फेयर क्योंकि अपन ने क्या किया टोटल डिवाइडेड बाई ये आपका दिया जाएगा सही है सोना फ्रेंड्स परफेक्टली क्लियर होना एनी क्वेश्चन फ्रेंड्स ओके बाद में मैं फिर आपको कंबाइंड बस का भी करा देता हूँ इंडिविजुअल बस और टोटल बस का भी करके आपको दोस्तों करा देता हूँ पहले आप ये बताइए लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है देन यू ऑलवेज गो बाय द वन ओनली अगर आपके पास ऑप्शन है तो देन यू गो बाय वन ओनली सही है सोना परफेक्टली क्लियर होना आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए प्रॉपर ओके कैन यू रिफर क्वेश्चन नंबर 4 This is your question number 4. Question number 4, page number 56. From question book, question number 4 and page number 9.3 is from solution book. Question number 4, page number 56 from question book. Question number 4, page number 9.3 from solution book. सही है सर. ओके फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, आप जरा देखिए. Mr. Jaika owns a fleet of taxis and the following information was available from the records maintained by him. Number of taxis वापस उसके पास कितनी हो गई, 10 है. Number of taxis कितने हो जाएंगे, 10. Cost of each taxi 20,000, ठीक है. Salary of manager, common expenditure. Salary of accountant, common expenditure means 10 के लिए एक ही पर्सन रहेगा, एक ही मैनेजर रहेगा, एक ही अकाउंटेंट रहेगा, एक ही क्लीनर रहेगा, एक ही मैकेनिक रहेगा, एक ही गैराज रहेगी. इंश्योरेंस 5%, इंश्योरेंस प्रीमियम 5%, इंश्योरेंस प्रीमियम 5% पर एनम है, 5% पर एनम. एनुअल टैक्स 600, एनुअल टैक्स 600. ड्राइवर सैलरी 200 पर टैक्सी पर मंथ. एनुअल रिपेयर 1000 रुपीज, एनुअल रिपेयर 1000 रुपीज. ओके. Total life of the taxi is 2 lakh kilometers. A taxi runs in all 3000 kilometers in a month, of which it is empty 30% of the time. Petrol consumption is 1 liter for 10 kilometers at the rate of 1.8. Oil and other sundries are 5 rupees per 100 kilometers. From the above information, find out the effective cost per kilometer. Find out the effective cost per kilometer. सही है सोनो फ्रेंड्स. अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्या बोलना चाह रहे हैं आपको. पहला आपको इफेक्टिव कॉस्ट पर किलोमीटर है. ओके, तो पहले आप निकालिए फ्रेंड्स. दिस इज योर स्टेप नंबर 1. Step number 1, statement showing total kilometers, total effective kilometers. Statement showing total kilometers, total effective kilometers per taxi and per month, and per month. क्या बोल रहा है फ्रेंड्स. दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग टोटल किलोमीटर्स, टोटल इफेक्टिव किलोमीटर्स पर टैक्सी एंड पर मंथ, किलोमीटर्स कितना बोल रहा है फ्रेंड्स. किलोमीटर्स है टोटल 3000. कितने किलोमीटर्स रन होगा, 3000. एंड इफेक्टिव किलोमीटर्स विल बी 3000 एंड 3000 का 70% इज 2100. 3000 का 70% इज 2100. सही है सुनो. स्टेटमेंट शोइंग टोटल किलोमीटर्स, टोटल इफेक्टिव किलोमीटर्स पर टैक्सी एंड पर मंथ. किलोमीटर्स कितना है आपका 3000 एंड इफेक्टिव किलोमीटर्स आपका कितना है 3000 का 70% एंड दिस कम्स टू 2100 एंड दिस विल बी योर स्टेप नंबर 1. यस और नो, दिस विल बी योर स्टेप नंबर 1. अब आप आ जाइए फ्रेंड्स स्टेप नंबर 2. This is your step number 2. Statement showing this is your statement showing normal operating cost, statement showing normal operating cost, statement showing normal operating cost per taxi and per month. क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? स्टेटमेंट शोइंग नॉर्मल ऑपरेटिंग कॉस्ट, स्टेटमेंट शोइंग नॉर्मल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टैक्सी पर मंथ, स्टेटमेंट शोइंग नॉर्मल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टैक्सी एंड पर मंथ, पर टैक्सी पर मंथ. अब सबसे पहले आप आ जाइए फ्रेंड्स, रुपीज. सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? इजे depreciation. Okay, when can you claim the depreciation? When the assets is put to use. When can you claim the depreciation? बोलो, when the assets is put to use. It means 20,000 and पूरे लाइफ में कितना चलेगी? 2 लाख किलोमीटर्स. और हमको कितना चलाना है? ओनली 3,000 किलोमीटर्स. इट मीन्स 20,000 डिवाइडेड बाई 2 lakhs into 3,000 is 300. 20,000 divided by 2 lakhs into 3,000 is this. Then second is a salary of manager. Now common expenditure, क्योंकि एक ही manager रहेगा all taxi के लिए. It means your salary of manager. Salary of manager कितना है friends? 600. 600 for 10 taxi. It means per taxi का कितना हो जाएगा? बोलो 60 रुपीज. Then third, this is your salary of accountant is 500 divided by 10 is 50. Then salary of cleaner, it means 200 divided by 10 is 20. Then salary of mechanic, this is your salary of mechanic. What is the salary of mechanic? Is 400 divided by 10 is 40. Then garage rent, one garage for all. It means 600 divided by 10 will be 60. सही है सोना फ्रेंड्स? आप बताइए मुझे. पहला डेप्रिसिएशन 20,000 इज द कॉस्ट, अपने को दे रखा है. टोटल लाइफ ऑफ द टैक्सी अबाउट टू 2 लाख किलोमीटर्स और हमको कितना चलाना है? 3,000. ओके, इट मीन्स 300. सैलरी ऑफ मैनेजर 600 रुपीज है 10 टैक्सी के लिए, मीन्स 60. सही है सोनो फ्रेंड्स? बोलो, इज दिस क्लियर और नॉट? देन सैलरी ऑफ अकाउंटेंट, सैलरी ऑफ अकाउंटेंट इज 500, 10, 50. Salary of cleaner, salary of cleaner 210, 20. Then salary of mechanic, salary of mechanic 410, 40 rupees. Then garage rent 610 is 60 rupees. सही है सर? यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं? गैराज रेंट तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं? देन इंश्योरेंस प्रीमियम. नाउ यू कम टू दिस इज योर इंश्योरेंस एंड प्रीमियम. इंश्योरेंस प्रीमियम क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? अपने को इंश्योरेंस प्रीमियम, सैलरी ऑफ अकाउंटेंट, सैलरी ऑफ गैराज रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम. व्हाट इज द इंश्योरेंस प्रीमियम? इंश्योरेंस प्रीमियम इज 5%. इट मीन्स व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द टैक्सी? द कॉस्ट ऑफ द टैक्सी इज 20,000 का 5% 1/12. इट मीन्स इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू 5% डिवाइडेड बाई 12 इज 83.33 insurance premium. Okay, then annual tax कितना है 600 divided by 12, it means 600 divided by 12 is 50 rupees. Then driver salary, your driver salary is 200 rupees. Then repair is 1000 rupees. Annual repair है ना friends, so divided by 12. Annual repair 1000 divided by 12 is 83.33 annual repair. Say yes or no friends, repair. Then पेट्रोल क्या दे रखा है फ्रेंड्स अपने को, पेट्रोल दिखा रहा 1 रुपीज 80 पैसे पर लीटर. ओके 3000 1 रुपीज 80 पैसे एंड दिस इज फॉर एवरी 10 किलोमीटर्स. इट मीन्स 3000 इंटू 1.8 is divided by 10 is 540. Then oil and other sundries is 3000 into 5 by 100. It means 3000 into 5 by 100 is 150. Okay, 150, and this will be your total cost. What is the total cost? Is 300 plus 60 plus 50 plus 20 plus 40 plus 60 plus 83.33 plus 50, 200, 83.33 plus 540 plus 150. 1636.66. सही है सर. अगर आपके कॉमन एक्सपेंसेस है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग फॉर पर मंथ पर बस, वी आर डूइंग फॉर 1 मंथ पर मंथ पर बस, वी आर डूइंग फॉर 1 बस के लिए 1 मंथ के लिए. सही है सर. पर मंथ पर बस हम लोग कर रहे हैं, इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, अब आप आ जाइए, आपको क्या पूछ रहा है, इफेक्टिव कॉस्ट पर किलोमीटर. इट मींस दिस इज योर इफेक्टिव कॉस्ट. इट मींस कॉस्ट हमारा हुआ 1636.66 और किलोमीटर्स रहेंगे 2100. मतलब चलेगी 3000, अपनी कितनी चलेगी 3000, कितना चलेगी टैक्सी 3000, लेकिन 30% टाइम नॉर्मल लॉस हो गया. रिमेंबर प्रोसेस अकाउंटिंग का, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल, तो 30% आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल लॉस. टैक्सी में हमेशा पैसेंजर बैठे, तो वो नॉर्मल लॉस कौन पे करेगा, ये जो 30% खाली जा रहा है वो कौन करेगा पे. प्रोसेस में क्या करते थे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, तो कौन पे करेगा, पैसेंजर. इट मींस 1636.66 डिवाइडेड बाय 2100 इज 0.78. सही आंसर क्या, कौन पे करेगा, 0.78. आपका 1 किलोमीटर का, आपका पर किलोमीटर का कॉस्ट क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, आपका पर किलोमीटर का कॉस्ट आएगा 0.78. आपका पर किलोमीटर का इफेक्टिव कॉस्ट, याद है ना प्रोसेस में नॉर्मल लॉस को करते थे. इट मींस आपका 1636.66 है, टोटल चल रहे हैं 3000 किलोमीटर, लेकिन 30% आपका ये है. इट मींस 900 आपका नॉर्मल लॉस हो गया, याद है, ये इनपुट ये नॉर्मल लॉस, तो आपका कॉस्ट क्या आ जाएगा, कॉस्ट आएगा 0.78। अगर उसका कुछ रियलाइजेशन होता तो वो माइनस हो जाता ऊपर करके ना। सही आंसर होना फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर होना। आई एम गोइंग फास्ट, बोलो। देखो थोड़ा स्पीड तो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा, स्पीड मेंटेन करिए। एग्जाम में पेपर बहुत लेंदी आता है, बहुत लेंदी आपको आएगा, लेकिन आपसे होगा नहीं। लिख लिख के जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपसे नहीं होगा। लिख लिख के सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपसे नहीं होगा। सही आंसर, परफेक्टली क्लियर। ओके, और एक देख लीजिए सिमिलर टाइप ना फ्रेंड्स। योर क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो जरा देखिए क्वेश्चन का ना, क्वेश्चन नंबर 5 एंड योर पेज नंबर 56 फ्रॉम क्वेश्चन बुक। एंड क्वेश्चन नंबर 5 9.4 फ्रॉम सॉल्यूशन बुक। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 56 फ्रॉम क्वेश्चन बुक। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 9.4 फ्रॉम सॉल्यूशन बुक। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 5, Shankar has been promised a contract to run a tourist car on 20 kilometers. कितने किलोमीटर चलाएगा वो? 20 kilometers. Shankar has been promised a contract to run a tourist car on 20 kilometers long run route for a chief executive of a MNC means multinational firm. He buys the car costing rupees 1,50,000. What is the cost of the car? The cost of the car is 1,50,000. The annual cost of insurance and taxes. Annual cost insurance and taxes 4,500 and 900 respectively. He has to pay 500 rupees per month for a garage where he keeps the car when it is not in use. The annual costs are estimated to 4,000. The car is estimated to have a life of 10 years. At the end of which the scrap value is 50,000. He hire a driver who is to be paid 300 rupees per month plus 10% of takings as commission. Other incidental expenses are estimated to be 200 rupees per month. Petrol and oil will cost 10 rupees per kilometer. The car will make 4 round trips each day. Assuming that a profit of 15% on taking is desired and that the car will be on the road for 25 days on an average per month, what should be the charge पर राउंड ट्रिप? आपसे पर पैसेंजर नहीं पूछा है, आपसे पर किलोमीटर नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा है? पर राउंड ट्रिप। आपसे क्या पूछा है? पर राउंड ट्रिप। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में? एक तो राउंड ट्रिप्स और एक आप कितने किलोमीटर चल रहे हैं, राइट? ओके, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन वही है आपका। तो दिस इज योर सॉल्यूशन बुक। आप देखिए 9.4 पे मैंने दे रखा है। इट मीन्स दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग टोटल टेकिंग्स, statement showing total kilometers and total round trips. Statement showing total kilometers and total round trips. किलोमीटर्स 20 किलोमीटर्स जाएगी एंड 20 किलोमीटर्स आएगी इंटू 4 राउंड ट्रिप पर डे इंटू 25 डेज। इट मीन्स ये 20 किलोमीटर्स जाएगी एंड 20 किलोमीटर्स आएगी। ये आपके राउंड ट्रिप 4, 20 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 25 विल बी 4,000 किलोमीटर्स। ओके, and then round trips will be 25 days into 4 round trip will be 100. सही है सर. स्टेटमेंट शोइंग टोटल किलोमीटर्स, टोटल राउंड ट्रिप. स्टेटमेंट शोइंग टोटल किलोमीटर्स and total round trips. Kilometers 20 × 2 × 4 × 25, 4000. Round trips 25 days into 4 × 100. Say yes or no, friends. Kilometers 4000. Kilometers 4000 and total round trips is 100. Total round trips is 100. Say yes or no, friends. Perfectly clear or not? Total round trips is 100. सही है सुनो, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ करें फ्रेंड्स. बोलो. शंकर हैज बीन प्रोमिस्ड ए कॉन्ट्रैक्ट टू रन टूरिस्ट कार ऑन 20 किलोमीटर्स. कितना चला रहा है वो? 20 किलोमीटर्स लॉन्ग रूट. For the chief executive of multinational firm, he buys a car costing rupees 1,50,000. The annual cost of the insurance, taxes, 4,500, 900, respectively. He has to pay 500 rupees per month for a garage where he keeps the car when it is not in use. The annual costs are estimated to be 4,000. The car is estimated to have a life of 10 years, at the end of which the scrap value is likely to be 50,000 rupees. He hires a car who is to be paid 300 rupees per month plus 10% taking as a commission. Other incidental expenses are estimated to be 200 rupees per month. Petrol and oil will cost 10 rupees per kilometer. The car will make 4 round trip. 20 किलोमीटर जाएगी, 20 किलोमीटर आएगी, तो आपका एक राउंड ट्रिप हो गया. ऐसे 4 round trips. Assuming that 15% on taking is desired and that the car will be on road for 25 days. तो आपका टोटल क्या हो जाएगा? 20 × 2 × 4 × 25 is 4,000. सही है सोनो फ्रेंड्स. एंड देन आपके राउंड ट्रिप हो जाएंगे 25 days × 4 is 100. सही है सोनो फ्रेंड्स. यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो यस और नो फ्रेंड्स. बोलो ऑल राइट. सही है सुनो फ्रेंड्स. ओके, सो योर टोटल राउंड ट्रिप विल बी 100. सही है सुनो. ओके, अब आप आ जाइए वन बाय वन ना फ्रेंड्स. क्या बोल रहे हैं? अब आ जाइए आप टोटल इसके क्या टेक. तो अपने से पूछा क्या है क्वेश्चन में? बोलो व्हाट शुड बी द चार्ज पर राउंड ट्रिप. एक राउंड ट्रिप का क्या चार्जेज होगा? ओके, और उसमें वापस वही है, कमीशन भी है और प्रॉफिट भी है, बराबर. व्हाट इज द कमीशन? 10% ऑफ टेकिंग, जो मैंने पहले आपको वर्किंग बताया था. इट मीन्स अगर आपका टेकिंग से 100 तो आपको प्रॉफिट है 15. ओके, आपका कमीशन है 10, टोटल हो गया 25. आपका कॉस्ट है 75. कॉस्ट 75 है तो टेकिंग 100 तो ये 25. ओके, इट मीन्स आप आ जाइए. दिस इज योर स्टेप नंबर 2. दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग टोटल टेकिंग. Statement showing total taking. Shankar has been promised a contract to run a 20-kilometer long run this multinational. He buys a car costing 1,50,000. It means सबसे पहले आपका आएगा depreciation 1,50,000. ओके, आगे कुछ दे रखा है अपने को. ठीक है, चलते हैं आगे, छोड़ते हैं. ओके, he buys a car costing rupees 1,50,000. The annual cost of insurance and taxes. It means insurance and tax. Insurance 4,500 divided by 12 and taxes 900 divided by 12. यहाँ तक क्लियर हुआ फ्रेंड्स? बोलो. It means 4,500 divided by 12 is 375 900 divided by 12 is 75. So yes or no? Shankar has been promised a contract to run a tourist car on a 20 kilometers long route. The chief executive of multinational firm, he buys the car costing 1,50,000. Annual cost of insurance and taxes 4,500 and 900 respectively. He has to pay 500 rupees per month garage charges. It means what your garage charges is 500 rupees per month. Your garage charges is 500 rupees per month. Where he keeps the car when it is not in use. The annual costs are estimated to be 4,000. Annual cost. Okay. It means the annual costs are estimated. Annual cost. It means your annual cost. It means 4,000 and divided by 12. 4,000 divided by 12 is 333.33. ये आपका हो गया फ्रेंड्स, बोलो ओके. 333. The car is estimated to have a life of 10 years, at the end of which the scrap value is 50,000. It means scrap value 50,000 and car का life है 10. It means 150,000 minus 50 divided by 10, and this comes to 10,000. यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? बोलो यस और नो. आई रिपीट, क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, बोलो. शंकर हैज बीन प्रोमिस्ड ए कॉन्ट्रैक्ट टू रन ए टूरिस्ट कार फॉर 20 किलोमीटर्स लॉन्ग रूट फॉर हिज चीफ एग्जीक्यूटिव मल्टीनेशनल फर्म. ही बाइज द कार कॉस्टिंग रुपीज 1,50,000. 150 का खरीदा कार उसने. द एनुअल कॉस्ट ऑफ द इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, एनुअल कॉस्ट तो डिवाइडेड बाई 12, 375 डिवाइडेड बाई 12 इज 75. ही हैज टू पे 500 रुपीज पर मंथ फॉर गैराज चार्जेस. 500 रुपीज पर मंथ फॉर गैराज चार्जेस. ही कीप्स द कार व्हेन इट इज नॉट इन यूज. द एनुअल कॉस्ट आर एस्टिमेटेड टू बी 4,000 डिवाइडेड बाई 12 इज 333.33. The car is estimated to have a life of 10 years, at the end of which the scrap value is 50,000. Scrap value 50,000 divided by 10. तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 year का डेप्रिसिएशन. लेकिन हमको क्या चाहिए, मंथली. डिवाइडेड बाई अगेन डिवाइडेड बाई 50,000 and divided by 1/12. So your 150 minus 50 divided by 10 divided by 12 is 833.33. 833.33. सही है सोनो फ्रेंड्स, यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं? ओके, आगे अपन चलते हैं, कंटिन्यू. He hires a driver who is to be paid 300 rupees per month. It means driver charges is 300 rupees per month plus 10% of taking as a commission. Other incidental expenses, is 200. Now 10% of the taking as a commission वो अपन बाद में ले लेंगे. पेट्रोल कितने किलोमीटर चल रहे हैं फ्रेंड्स हम लोग? 4,000 किलोमीटर्स निकाला था ना अभी अपन ने. कितने किलोमीटर्स हम लोग चल रहे हैं? 4,000 किलोमीटर्स. 4,000 into 10 rupees and this comes to 40,000. Okay, the car will make 4 round trips each day, assuming that the profit 15% on taking. It means this will be your total cost 833.33, 375, 500, 333.33 plus 300 plus 200 plus 40,000 is 42,616.66. 42,616.66. Okay, then commission, then profit, and then total takings. 42,616.66 into 100/75. अभी आपने कैलकुलेट किया था ना, into 100/75 is 56,822.21. It means 56,822.21, 56,822.21 into 10% into 15% into 10% is 5682.22, 82.22, and 15% will be 8523, 8523.33. Okay, this will be your total take. ये क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स? टोटल कॉस्ट आपका आ गया और टोटल कॉस्ट इज 75. क्या आपको बताया था ना मैंने, टोटल कॉस्ट इज 75. अपन ने क्या किया था, इफ द टेकिंग इज 100 देन प्रॉफिट एंड कमीशन इज 10, प्रॉफिट इज 15, 25, ये 75. Okay, so this will be your total taking, divided by 75, 100, and this will be your profit and commission. Now you find out. And क्या पूछ रहा है अपने से, what should be the charge per trip? Charges per round trip equal to, हमारा कितना आ रहा है 56,822.21, और इसमें कितने हैं 100 ट्रिप्स हम लोग लगाने वाले हैं, 100 ट्रिप्स. इसका मतलब एक ट्रिप का चार्ज आएगा 568.22, 568.22. This is 56,822.22 divided by 100, 568.22. ये आपको क्लियर हुआ. टेकिंग पर चार्जेस और टेकिंग और चार्जेस वन ऑफ द सेम, टेकिंग्स चार्जेस पर राउंड ट्रिप ये आपका आ जाएगा. सही है सर, टेकिंग और यस परफेक्टली क्लियर. टेकिंग आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, टोटल डिवाइडेड बाय दिस. परफेक्टली क्लियर, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ. बोलो प्रॉपर चल रहा है अपना. पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन व्हाट इज, और ऑब्जेक्टिव में भी क्या ध्यान रखने का ना फ्रेंड्स, ज्यादातर मैंने बच्चों के जब पेपर चेक करता हूं तो मुझे पता चलता है कि क्या मिस्टेक किया कि वो लोग कंबाइन कर देते, इंस्टीट्यूट भी कंबाइन नहीं, अलग अलग करने का, किलोमीटर्स अलग राउंड, तो अपने को कभी कंफ्यूजन नहीं होगा क्रिएट करके ना. सही है सुनो फ्रेंड्स, कभी भी अपने को कंफ्यूजन क्रिएट होगा नहीं. सही है सुनो फ्रेंड्स, ओके.